बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई एनी सूटेबल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वाई हमें गिवन है एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, तो एक्स क्यूब में लिखता हूँ और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ अब x का डेरिवेटिव है 1 ओवर अंडर द रूट x, 1 ओवर x और अंडर द रूट x अदर देन x है, तो चेन रूल के मुताबिक हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और अंडर द रूट x में इस तरह लिख सकता हूँ, x पावर 1 ओवर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट x, पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा और dx बाई dx की दोबारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 के बराबर है। एक्स क्यूब डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स और एक्स पावर 1 ओवर 2 का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज, 1 ओवर 2 माइनस 1 से आता है माइनस 1 ओवर 2 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स इन टू 3x स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट एक्स, अब ये x पावर माइनस 1 ओवर 2 जब नीचे आ जाए तो x पावर प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा और x पावर प्लस 1 ओवर 2 में इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट एक्स से आता है x, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर आता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स, ये एक्स एक एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर कामन है, एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर कामन है, यहाँ 1 ओवर 2 रह जाएगा, यहाँ 3 नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर और डी डिवाइड बाई डी एक्स अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स में इस तरह भी लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एक्स पावर 1 बाई 2, तो पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, 1 ओवर 2 माइनस 1 से आता है माइनस 1 ओवर 2 और लॉग ऑफ एक्स का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स, प्लस अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स अपनी जगह पे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और लॉग ऑफ एक्स पावर माइनस 1 ओवर 2 है, जब ये नीचे आ जाए तो लॉग ऑफ एक्स पावर प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा और प्लस 1 ओवर 2 जब पावर में आ जाए तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, ठीक है, और प्लस 2x इनटू अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा, ये एक एक्स इस एक एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स डिवाइड बाई टू इन टू अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स प्लस टू एक्स इन टू अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स। इस तरह भी सही है, अगर आप एक्स कामन लेते तो आप एक्स कामन भी ले सकते हैं, वन ओवर टू अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स और प्लस अंडर द रूट लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर वन ओवर टू। तो लॉग के कानून के मुताबिक ये पावर हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो वन ओवर टू लॉग ऑफ, और ये लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी में लिख सकता हूँ। तो लॉग ऑफ ए मतलब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये मैंने लॉग की दो कवानीन अप्लाई की, पावर यहाँ पे आ गया और लॉग ऑफ ए बाई बी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी मैंने लिख लिया। सो वाई इज इक्वल टू, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले एज ए होल डेरिवेटिव ले ले और फिर अलग अलग डेरिवेटिव आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव आता है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिस तरह लॉग ऑफ एक्स का वन ओवर एक्स है, इस तरह लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और चेन रूल के मुताबिक डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव आता है टू एक्स, कांस्टेंट का जीरो होता है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी टू एक्स आता है और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल सेम इसका ले ले टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो दिस डिवाइड बाई दिस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन रह जाएगा, तो टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस दिस डिवाइड बाई दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू खत्म हो जाएगा, तो टू एक्स हमारे साथ है और एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से आता है टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर से आता है टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स डिवाइड बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, विच इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स खत्म हो जाएगा, तो टू एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब से आता है फोर एक्स क्यूब डिवाइड बाई टू, और एक्स क्यूब प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हम लिख सकते हैं ए एक्स फोर माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर, विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स पावर फोर माइनस वन। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है, वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है, तो वन ओवर एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. और ये अदर देन एक्स है, तो चेन रूल के मुताबिक हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे. और ये आसानी के लिए मैं ये अंडर द रूट एक्स की जगह पावर में वन ओवर टू लिख सकता हूँ. सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन आता है और माइनस पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा. तो एक डिक्रीज का मतलब कि ये हमारे साथ वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स आता है और कांस्टेंट का जीरो. दोबारा चेंज रूल के मुताबिक हमने दोबारा डेरिवेटिव लेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू वन माइनस, अब वन माइनस टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन ओवर टू. जब नीचे आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन ओवर टू हो जाएगा और प्लस वन ओवर टू मैं इस तरह लिख सकता हूँ. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. और यहाँ पे एल सी एम ले लें तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एल सी एम आ जाएगा. तो ये डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन से वन आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस टू एक्स आ जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हमारे साथ आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस, तो ये हमारे साथ डायरेक्टली ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा. ठीक है, और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से हमारे साथ वन आता है, तो वन मल्टीप्लाई बाई टू एक्स से हमारे साथ टू एक्स आता है. ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा ये टू हमारे साथ, यहाँ पे ये टू भी है, ये टू मैंने नहीं लिखा है, माइनस वन ओवर टू है, ये टू मैंने गलती में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे साथ ये टू भी है, तो यहाँ पे एल सी एम में टू आ जाएगा. तो जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये टू भी आ जाएगा. ठीक है, तो अब इससे मैं माइनस टू कामन लेता हूँ. ठीक है, जब मैं माइनस टू कामन ले लूँ तो माइनस टू यहाँ पे जब मैं कामन ले तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा, यहाँ पे माइनस टू कामन तो माइनस एक्स, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से माइनस टू कामन लेता हूँ और ये टर्म अपने जगह पे आ जाएगा, एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. और यहाँ जब मैं माइनस टू कामन ले, ये टर्म मैं पहले लिखता हूँ तो प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस टू मैंने कामन लिया है और यहाँ पे प्लस है और मैंने माइनस कामन लिया है, तो माइनस लिखूँगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू इन टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू माइनस टू डिवाइड बाई, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया. पार्ट नंबर ई है y इज इक्वल टू e पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स, e पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ e पावर माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स.
अप्लाई प्रोडक्ट रूल, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस टू एक्स, और कॉस टू एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, प्लस कॉस टू एक्स एंड डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस टू एक्स, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन टू एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, टू एक्स अदर देन एक्स है तो टू एक्स का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे साथ टू के बराबर है, प्लस कॉस टू एक्स ई पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई पावर माइनस टू एक्स, और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल विच इज इक्वल टू माइनस टू, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस माइनस टू साइन टू एक्स ई पावर माइनस टू एक्स, और प्लस और ये भी माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू कॉस टू एक्स ई पावर माइनस टू एक्स, तो अब इसमें माइनस टू ई पावर माइनस टू एक्स कामन है तो माइनस टू ई पावर माइनस टू एक्स में कामन लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स, तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर एंड डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स, प्लस ई पावर साइन एक्स एंड डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स डिवाइड एज ई पावर साइन एक्स, और चेन रूल के मुताबिक साइन एक्स का हम दोबारा डिवाइड लेंगे प्लस ई पावर साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारे साथ है टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स प्लस टू एक्स ई पावर साइन एक्स, इसमें हमारे साथ एक्स एक्स ई पावर साइन एक्स कामन है तो एक्स ई पावर साइन एक्स में कामन लेता हूँ, यहाँ पर रह जाएगा एक्स और कॉस एक्स और प्लस टू, तो पार्ट एफ सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।